पिछले साल सितंबर महीना लद्दाख राइड के साथ शुरू हुआ था। नंबर मोरिया, लेट्स गो। और इस साल चलो देखते हैं। अब बैठ के बातें करते हैं आराम से। अपने पास बहुत टाइम है। वी आर गोइंग बैक टू मंडनगढ़। पहले तो आज दापोली जाने वाले हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू गो टू मंडनगढ़, जहाँ पे अपना महाराष्ट्र का लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, एज आई सेड, आज हम फिर एक पुरानी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पहले हम जा चुके हैं। आप काउंटिंग किलोमीटर्स के साथ अगर पहले से जुड़े हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता है ये प्लेस, लेकिन आपको आज ये प्लेस वापस दिखने वाला है। सो देर इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। बट देर इज समथिंग न्यू। पुरानी प्लेस है लेकिन नया जोश है, नया सीजन है, बिकॉज दिस इज मानसून राइट नाउ। और नई कंपनी है अपने साथ। ये नई कंपनी नहीं, ये पुरानी कंपनी है। बाय द वे, वी आर राइट नाउ इन खालापुर हियर, और एक दोस्त के घर पे अभी अभी ब्रेकफास्ट यहाँ पे स्पॉन्सर हुआ है हमारा। एकदम टेस्टी वाला वड़ा पाव और चाय वॉज अमेजिंग। सो वेन एवर यू आर कमिंग टू खालापुर साइड, अगर बेस्ट चाय पीनी है ना तो घर है अपने लिए। वेल, इट्स 9:30 राइट नाउ, 10th of September, एंड 2020 ऑफकोर्स लॉकडाउन अभी अभी खत्म हुआ है, तो एंजॉय करते हैं ना। लॉकडाउन खत्म हुआ है तो ये देखो, पिछले 12-13 सालों में दापोली ट्रैवल कर कर के ये रोड इतना बाय हार्ट हो चुका है ना, कि इस रूट पे कौन से नज़ारे कहाँ से और कैसे अच्छे दिखेंगे ये भी अब मानो याद सा हो गया है। कार में चलने का एक फ़ायदा होता है, आजू बाजू में देखने का स्कोप ज़्यादा होता है, कहीं भी रुक सकते हो। रुके, उतरे और नीचे उतरते ही ये नज़ारा। अभी ऐसे प्लेसेस में ना ऊपर धूप है लेकिन फिर भी उतरना तो बनता है। मेकअप खराब हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे कैमरा लेके ब्लॉग करना है। यस, सर दिस, मुझे मत देखो, पीछे देखो, बहुत सही। ओके, सो दिस इज द स्ट्रगल। दोपहर को 1 बजे जब गाड़ी में चलते हो ना, बिना एसी की गाड़ी में आइसक्रीम और लॉलीपॉप के सिवा कुछ याद नहीं आता। वेल एनीवेज, ये जो पसीना पसीना हुआ है ना, दैट इज बिकॉज वी हैड टू गेट डाउन एंड वॉक अ लिटिल बिट। 4 साल कॉलेज में मैं था यहाँ पे दापोली में। 4 साल में शायद 100-200 बार मैं यहाँ से आया गया हूँ बाइक पे, कार में, 4 साल के बाद भी, सिंस आई एम कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। बट स्टिल आज पहली बार मैंने ये वाटरफॉल देखा है। क्या बोलते हैं उसको, मौका भी है, दस्तूर भी है, मौके पे चौका चौका नहीं, छक्का लग गया। छक्का मार। अभी ऐसे और छक्के लगने अगले 3 दिन में, बने रहो, मजा आएगा। सब्सक्राइब रिगार्डिंग किलोमीटर 10,000 कर दो। वैसे ये बात तो सच है कि मैं इस रूट से बहुत फैमिलियर हूँ, लेकिन फिर भी अब जो नज़ारे आप देखने वाले हो ना, ये नज़ारे मैंने भी आज पहली बार ही देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कभी आया नहीं था। Show you.
यू आर ड्राइविंग टू दापोली और बीच में ये देशमुख बाग पे ना रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज बिकम लाइक परमानेंट ब्रेकफास्ट या लंच हॉल्ट, जो भी टाइम हो उसके हिसाब से। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए भी रुको तो यहाँ पे आने के बाद लंच ही हो जाता है, जैसा अभी हुआ है। फर्स्ट वी आर डिसाइडेड कि यार वो वाटरफॉल के पास बहुत गर्म हो गया तो थोड़ा ठंडा होता है, लेट्स हैव सम शरबत और समथिंग। तो कोकम शरबत लिया, फिर उसके बाद काका ने बोला कि पन्नापन है तो वो भी हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे तो थाली पीठ खाए बिना तो जा नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्लेट दैट यू गेट हियर। सो थाली पीठ खाया, अभी नीलेश सर ने वड़ा ऑर्डर किया है, इसके बाद मुझे पता है कि नीलेश सर चाय पियेंगे। बाय द वे दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लोकेशन, आई जस्ट टर्न अराउंड द कैमरा, लुक एट दिस, दिस इज द सेटअप। ऐसी जगह पे ये होटल बना हुआ है। पेट पैक हो गया है सबका, चलो निकलते हैं। दापोली पहुंचना भी है आज के दिन में, इट्स ऑलरेडी 4 o'clock और अभी तक 50 किलोमीटर बाकी है। तो अभी सीधा दापोली पहुंचते, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कुछ अच्छा दिखे तो भी नहीं रुकना है। फाइनली वी हैव रीच्ड हियर इन दापोली। दापोली से 5 किलोमीटर पहले खेरड़ी एक छोटा सा गांव है, उस गांव में नीलेश सर का ये प्यारा सा घर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इससे पहले भी आया था मैं यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड टाइम। और दिन भर बिना एसी की राइड करने के बाद ये है सुकून की जिंदगी। अभी जस्ट फ्रेशन अप होना है बिकॉज वी हैव टू गो रश फॉर द सनसेट। अराउंड 6:30 इज द सनसेट टाइम। यहाँ से 15-20 किलोमीटर जाना है, बहुत सही प्लेस है। जो कॉलेज के टाइम में इट वॉज लाइक हफ्ते में 1-2 सनसेट वहाँ पे होते थे मेरे, अभी आपको दिखाऊंगा। सो राइट आफ्टर 1 आवर्स ब्रेक, एग्जैक्टली 5 बज रहे अभी और आई एम बैक अगेन इन द कार। अभी टाइम है निकलने का फॉर द सनसेट और सनसेट के लिए हम लोग जा रहे हैं लाडगर, दत्त मंदिर लाडगर। अगर आपको पता है तो आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ से आगे क्या देखने मिलने वाला है, अगर नहीं पता है तो देखते रहो। Within 10 kilometers from Dapoli, we have reached here at Datta Mandir. This is the temple behind me. और सबसे प्यारी जो जगह है ना, मतलब इस जगह का मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों यहाँ पे बार बार आता हूँ मैं। मंदिर पीछे है लेकिन मैं इस तरफ चल रहा हूँ, रीजन इज दिस। पर्पसली पिछले 10 सेकंड में मैंने कुछ नहीं बोला है बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू हियर द सी। जगह पे आने के बाद ना वक्त का पता चलता है ना कोई फिक्र सताती है, बस मिलता है तो आंखों को एक अनोखा सा सुकून। और इसी सुकून में डूबे हुए मैं ये भी भूल गया था कि यहाँ से आगे मैंने इस कहानी को ख़त्म किया ही नहीं।
तो अगले दिन की कहानी अगले व्लॉग में। अभी के लिए इस सनसेट के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।